भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। खेत में छिपे बैठे बाघ ने वन मजदूर पर किया हमला। धोप ताड़गांव परिस जंगली जानवर का शिकार कर खेत में भ्रमण कर रहे बाघ ने वन मजदूर पर हमला कर दिया। इसमें 40 वर्षीय वन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज भंडारा के जिला अस्पताल में चल रहा है। अंधेरा होने के कारण बाघ को पकड़ने में कई चुनौती आई। बुधवार 8 मार्च की दोपहर 2:30 बजे से बाघ को पकड़ने वन विभाग जुटा रहा। अतः रात 8 बजे बाघ को पिंजरे में बंद किया गया। मोहाड़ी तहसील के कांद्री वन परिक्षेत्र में खेतों में बाघ को पकड़ने की यह दूसरी घटना है। धोप ताड़गांव परिसर में गेहूं के खेत में जंगली जानवर का शिकार करने के बाद बाघ उसे खा रहा था। ग्रामीणों को मृत जंगली जानवर व बाघ नजर आया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बाघ को भगाने का प्रयास किया तो बाघ ने स्थानीय किसान पृथ्वीराज ढहाके पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान अन्य ग्रामीण लकड़ी लेकर दौड़े तो बाघ फिर से शिकार खाने के लिए चला गया। घटना की जानकारी कांद्री वन परिक्षेत्र की टीम को दी गई। भंडारा से उपवन संरक्षक राहुल गवई, सहायक उपवन संरक्षक साकेत शेंडे मौके पर भंडारा व गोंदिया के वन विभाग के रैपिड रेस्क्यू दल को बुलाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति लेकर बाघ को पिंजरे में बंद करने की कोशिश शुरू की गई। इस दौरान बाघ ने वन विभाग के कांद्री के वन मजदूर मदन हीरापुरे उम्र 40 वर्ष पर हमला किया। इसमें वन मजदूर मदन गंभीर रूप से घायल हुआ। कांद्री के स्वास्थ्य केंद्र में जांच के बाद भंडारा रेफर किया गया। अंधेरा होने के कारण वन विभाग को बाघ के रेस्क्यू में कई चुनौती आई। अतः रात 8 बजे बाघ को पिंजरे में एक 1.5 वर्षीय तेंदुआ खेत में बने सिंचाई कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही लाखनदूर वन विभाग सहित वन्य जीव बचाव टीम के कर्मियों ने कुएं से तेंदुए को जिंदा बाहर निकालकर जीवनदान दिया। घटना सुबह 9 बजे के दौरान तहसील के सरांडी बुज में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय सरांडी बुज निवासी रमेश राउत नामक किसान का नेपाल नामक बेटा खेत पर गया। इस दौरान उसने रबी धान फसल रोपाई के लिए खेत में पानी उपलब्ध करने के लिए सिंचाई कुएं में झांक कर देखने पर उसे तेंदुआ नजर आया। 60 फीट गहरे कुएं में तेंदुआ गिरने की जानकारी मिलते ही लाखनदूर के वन परिक्षेत्र अधिकारी रुपेश गावित सहित अन्य वन कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। गावित ने तुरंत साकुली के सहायक वन संरक्षक रोशन राठौड़ को वन्य जीव बचाव टीम की मांग की। साकुली के सहायक वन संरक्षक रोशन राठौड़ सहित गोंदिया वन विभाग के वन्य जीव बचाव टीम के कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान बचाव टीम के कर्मियों ने कुएं में गिरे तेंदुए को पिंजरे की सहायता से दोपहर 2:30 बजे के दौरान 5.5 घंटे के बाद जिंदा बाहर निकालकर जीवनदान दिया। कुएं में तेंदुआ गिरने की घटना मालूम पड़ते ही सरांडीपुर सहित परिसर अन्य गांव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए लाखनदूर के थानेदार रमाकांत कुकाटे के नेतृत्व में कड़ा बंदोबस्त लगाया गया। कार्रवाई के दौरान साकुली के सहायक वन संरक्षक रोशन राठौड़, वन परिक्षेत्र अधिकारी रुपेश कावित, क्षेत्र सहायक आईजी निर्वाण, थानेदार रमाकांत कुकाटे, वन
निरीक्षक जीडी हाते, आर एम मेश्राम, बी एस पाटिल, डी एस छोड़े, केवट, आर एस भोके नरवाड़े, पुलिस नायक सतीश सिंगनजुड़े, मिलिन बोरकर, डोलीराम भोयर, पुलिस सिपाही जयेश जवनचारकर, किशोर टेकाम, सैनिक दीपक भुरले, प्रफुल राउत, वन मजदूर नाकाड़े, विकास भूते, भास्कर आंबेडारे, दिगंबर शहारे, पुरुषोत्तम शहारे, सर्पमित्र जागेश्वर कामले, आकाश दिगरे, नामदेव मेश्राम, शत्रुघ्न वैद्य सहित अन्य वन व पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। आधारभूत केंद्र से धान ले जा रहे एक ट्रक ने मोहाड़ी तहसील के उसरा गांव के प्रवेश द्वार को जोरदार टक्कर मारने की घटना बुधवार 8 मार्च को दोपहर 2 बजे के दरमियान की है। इस घटना में कोई जीवित हानि तो नहीं हुई, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसरा गांव का प्रवेश द्वार पूरी तरह से टूट गया। टक्कर के बाद ट्रक को ग्रामीणों ने रोक लिया। हालांकि ग्राम पंचायत का भारी नुकसान होने के कारण ग्रामीणों ने उक्त ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की। ग्रामीणों की नज़र बनी हुई है। तुमसर रोड जंक्शन से बालाघाट जिले में जाने वाले यात्रियों के लिए तिरोड़ी से आगे सीधे रेल टिकट सुविधा भारतीय यात्री केंद्र तुमसर की मांग पर नागपुर के डीआरएम मनिंदर सिंह उप्पल द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके पहले तुमसर रोड जंक्शन से तिरोड़ी तक रेल सुविधा थी, पर तिरोड़ी से बालाघाट गाड़ियां चलने के बाद भी तिरोड़ी से आगे कटंगी, वारासिवनी, बालाघाट और अन्य स्टेशनों के लिए सीधी रेल टिकट सुविधा नहीं मिल पा रही थी। गत दिनों डीआरएम के तुमसर रोड स्टेशन मन पर भारतीय यात्री केंद्र तुमसर द्वारा इस समस्या की ओर ध्यानाकर्षण किया गया था। इस बात पर गौर करते हुए यात्रियों के लिए सीधी रेल टिकट सुविधा 7 मार्च 2023 से उपलब्ध कराई गई है। तुमसर रोड जंक्शन से तिरोड़ी और आगे कटंगी, वारासिवनी, बालाघाट आदि जाने वाले यात्रियों से उक्त सुविधा का लाभ लेने की अपील भारतीय यात्री केंद्र तुमसर की ओर से बेनीश्याम खंडेलवाल, सीताराम जोशी, वल्लभ और खुशाल नागपुरे, दिनेश अग्रवाल, लीलाधर वाडीभस एडवोकेट आशीष कुकड़े, ज्ञानेश्वर बिरनवारे ने की है। साथ ही डीआरएम मनिंदर सिंह उप्पल, ZRUCC मेंबर मोनिल जैन का आभार व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ की एक युवती ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गुड बाय कहकर फोटो शेयर किया और चंद्रपुर में किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार लखनऊ तहसील के करांडला निवासी गायत्री गजेंद्र रामटे के उम्र 20 वर्ष, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए चंद्रपुर के घुटकाला वार्ड में किराए के मकान में रह रही थी। इसी बीच उन्होंने घर में रहते हुए अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए यह मेरी आखिरी फोटो है, गुड लिखा और फांसी लगाकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच चंद्रपुर शहर पुलिस घटना की जांच कर रही है। मृतक गायत्री के माता पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था और परिवार में केवल एक भाई है। बताया जाता है कि गायत्री को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा उसके पिता के बड़े भाई ने पूरी करवाई थी। उसके बाद वह शिक्षा के लिए चंद्रपुर चले गयी। होली के दिन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अपने पैतृक गांव लौट रहे दो युवकों में से एक की मौत हो गई। दरअसल उनकी मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। दुर्घटना शाम 7 बजे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सिंधपुरी के निकट हुई। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किन्नी गाँव निवासी सोनू अशोक लांजेवार उम्र 28 वर्ष एवं रोहित दिलीप बासांगड़े उम्र 25 वर्ष दोनों मंगलवार को नागपुर से मोटरसाइकिल क्रमांक MH 31 CD 057 से अपने गांव जाने के लिए निकले। पंडारा बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिंहपुरी गांव के निकट उसी गांव के निवासी प्रवेश प्रकाश नंदुरकर उम्र 28 वर्ष की मोटरसाइकिल से उनके मोटरसाइकिल टकरा गई। इस घटना के बाद सिंहपुरी के ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन हादसे में सोनू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके साथ ही रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंहपुरी निवासी प्रवेश नंदुरकर के पैर में भी गंभीर चोटें आई। मामले की जांच सिहोरा पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक महेंद्र शहारे कर रहे हैं। भंडारा जिले को बाल विवाह मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी का कड़ा आदेश। अब लड़का लड़की की उम्र की पुष्टि किए बिना
फोटोग्राफर है और बिना लड़के या लड़की की उम्र चेक किए शादी के ऑर्डर ले रहे तो हो जाए सावधान। हाँ, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि भंडारा जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने हाल ही में भंडारे को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए एक सख्त आदेश पारित किया है और अब यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि लड़का 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लड़की 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है। लड़की की उम्र की पुष्टि किए बिना शादी हॉल, रिसेप्शन हॉल की बुकिंग, पत्रिका छपाई बुकिंग, बैंड टीम की बुकिंग, शेफ, फोटोग्राफर नहीं ले सकते। इसलिए यदि कोई बाल विवाह होता है, बाल विवाह में मदद कराने के मामले में सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया गया है। इसलिए आप शादी की बुकिंग के समय ही दूल्हा दुल्हन की उम्र चेक कर ले, नहीं तो आपको करना होगा कार्रवाई का सामना और 2 साल कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माना। इसलिए नियमों का पालन करें। बालविवाहाच्या वाढत्या संख्या कमी करण्याच्या हेतूने माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांनी बालविवाह प्रतिबंध करण्याकरिता आज जागतिक महिला दिनाच्या दिवशी एक आदेश पारित केला असून सदर आदेशानुसार भंडारा जिल्ह्यातील होणारे बालविवाह आळा बसण्यामध्ये आपल्याला सहकार्य होणार आहे। भविष्यामध्ये होणारे विवाह हे बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितावर बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे। आपल्याला बालविवाहाच्या संदर्भात कुठलीही माहिती असल्यास आपण महिला आणि बालविकास विभागाचे टोल फ्री क्रमांक 1098 याच्यावर तुम्ही संपर्क केला तर बालविवाहाच्या संदर्भातील आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल व माहिती देणाऱ्याचे नाव सुद्धा गोपनीय ठेवण्यात येईल। लाखनी शहरातील स्थानिक राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेच्या ई गॅलरीमधील 2 ATM मशीन फोडण्याचा प्रयत्न मध्यरात्रीच्या सुमारास फसला असून या प्रकरणी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध लाखनी पोलिसात गुन्ह्याची नोंद केली आहे। शहरातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया येथील 3 पैकी 2 ATM मशीनचे अज्ञात चोरट्यांनी संपूर्ण वायरिंग व 3 ट्यूबलाइट फोडून चोरून नेण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र ATM हे राष्ट्रीय महामार्गालगत असल्याने वाहन व नागरिकांची आवक जावक असल्याने चोरी करण्याचा प्रयत्न फसला। ही घटना सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली। अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध शाखा व्यवस्थापक विकास कुमार यांच्या फिर्यादीवरून चोरट्यांविरुद्ध विविध कलमांवर लाखनी ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद केली आहे। आई, बहीण, पत्नी व मुलगी या नात्यांसोबत महिला अनेक भूमिका जगत असतात। मुलांना घडवताना आई देशाला घडवत असते। फक्त महिला दिनाला स्त्री शक्तीचा जागर न करता कृतीतून स्त्रियांना आदर दिला पाहिजे असे मत जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिपकाटे यांनी आज सामाजिक न्याय भवनात आयोजित महिला मेळाव्यात व्यक्त केले। यावेळी महिला व बाल विकास विभागाच्या सभापती स्वाती वाघाळे विशेष उपस्थितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक बोंद्रे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते। जागतिक महिला दिनानिमित्त सामाजिक न्याय सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात जिल्ह्यातील 500 अधिक महिला उपस्थित होत्या। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला व बाल विकास अधिकारी मनीषा कुरसुंगे यांनी केले। यावेळी विविध क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण काम करणाऱ्या महिलांचा सत्कार करण्यात आला। आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्षानिमित्त तृणधान्याच्या पाककला प्रदर्शनाला जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिपकाटे यांनी भेट दिली। या महिला मेळाव्यात नृत्य, संगीतासह अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा महिलांनी आनंद घेतला। यावेळी महिला आर्थिक विकास मंडळासह उमेदच्या महिला बचत गटांनी स्टॉल लावले होते। या स्टॉल मध्ये खाद्यपदार्थ, दागदागिने यांच्यासह विविध कलाकुसरीच्या वस्तूंचे प्रदर्शन लावण्यात आले होते। ओबीसी क्रांती मोर्चा भंडारा जिल्ह्याच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त अनोखा उपक्रम राबवित आज नगर परिषद भंडारा येथील महिला सफाई कामगार यांचा नारळाची ओटी भरून सत्कार करण्यात आला। वर्षभर महिला सफाई कामगार ह्या शहरातील केरकचरा गोळा करून शहराला सुशोभित करण्याचे काम करीत असतात। त्यांच्याकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन हा नकारात्मक राहत असून त्या महिला कामगारांना मानसन्मान मिळत नसतो। अशा हा महिलांचा कधी सत्कार होणार हे त्यांना सुद्धा माहीत नसतो। या बाबीचा दखल घेत ओबीसी क्रांती मोर्चा यांच्या वतीने महिला दिनाचे औचित्य साधून नगर परिषद अंतर्गत येणाऱ्या स्वच्छता भवनात कार्यक्रम राबवून शेकडो महिलांचा सत्कार करण्यात आला। ओबीसी क्रांती मोर्चा भंडारा यांच्या वतीने नगर परिषदेच्या महिला कर्मचारी महिला त्यांचा आज सत्कार घेण्यात आला। त्यांना नारळ, ब्लाउज पीस, बांगड्या देऊन सत्कार करून सगळ्या महिलांनी भाग घेतला आणि आतापर्यंत ह्या सगळ्या महिला उपेक्षित होत्या। कमीत कमी ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने सत्कार झाल्यामुळे त्यांना पण आनंद झाला आणि पुढे पण महिलांचा ठिकठिकाणी सत्कार व्हावा या महिला दिनी अशी मी अपेक्षा करते।
हमको अच्छा लगा कि हमारा सत्कार हुआ और महिला दिवस के दिन हमें भेंट देके सम्मानित किया गया। हमें ये भेंट लेके बहुत अच्छा लगा और आनंद आया।